तो मेरे पास ना आज एक बहुत ही स्पेशल स्मार्टफोन है और ये है एक 5G स्मार्टफोन और माना जा रहा है कि ये 10,000 रुपये से कम में आने वाला सबसे सस्ता 5G फ़ोन है और मैं बात कर रही हूँ आईटेल P55 की। और इस फ़ोन का खास फैक्टर सिर्फ इसका प्राइस या 5G कनेक्टिविटी नहीं है, उसके अलावा भी इस फ़ोन में बहुत अमेजिंग फीचर दिए गए जो कि एक बजट फ़ोन में आपको किसी फ़ोन में नहीं मिलेंगे। तो ये फ़ोन आता है 10,000 रुपये से भी कम प्राइस सेगमेंट में, यानी 9,999 के स्टार्टिंग प्राइस पे आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हैं। और इस फ़ोन में Dimensity 6080 चिपसेट दिया गया है जो कि एक बहुत ही अच्छा चिपसेट है जो कि अभी तक हमने मिड रेंज वाले फ़ोन्स में देखा था। और ये चिपसेट अभी टेक्नोपोवा 5 प्रो, इन्फिनिक्स नोट 30 जैसे स्मार्टफोन्स में हमने स्पॉट किया था और ये काफ़ी अच्छा चिपसेट है। तो इतने सस्ते स्मार्टफोन में आपको एक अच्छा चिपसेट मिल रहा है, ये सबसे बड़ा एक बेस्ट पॉइंट है इस फोन का। तो मैं हम ना इस वीडियो में ना तो इस फोन की अनबॉक्सिंग करें ना इसका रिव्यू कर रहे हैं, मैं बस सिंपली आपको ये बताऊंगी कि अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो ये एक्चुअली एक वर्थ फोन है या नहीं, या 10,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में वाकई एक सस्ता और अच्छा स्मार्टफोन है और क्या कुछ खास है, क्या कुछ हाईलाइटेड है। तो सबसे पहला फीचर हमने बात किया इसका प्रोसेसर, इसी के साथ इसमें आपको 12GB तक की रैम मिलती है, 128GB स्टोरेज मिलती है। तो आज के टाइम में भाई स्टोरेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत क्राइसिस भी हैं, तो 128GB स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा इनफ है इस प्राइस सेगमेंट में। इसके साथ ही अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि एक बेसिक सा कैमरा दिया होगा, लेकिन नहीं, इसमें आपको एक 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है जो कि AI डुअल रियर सेटअप है। इसमें आपको 50MP के सेंसर मिलते हैं दोनों ही और 8MP का आपको सेल्फी सेंसर मिलता है। ये तो हमने दूसरे पॉइंट की बात कर ली कैमरा, अब तीसरा जो पॉइंट हम कंसिडर करते हैं ना कोई फ़ोन ख़रीदने से पहले, देखते हैं उसकी बैटरी कितनी है। तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ा बैटरी साइज़ मिलता है जो कि 18W तक के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। तो 5000mAh की बैटरी अपने आप में एक बड़ा बैटरी साइज़ है और 18W फास्ट चार्जिंग आपको मिल रही है, ये भी एक स्टैंडर्ड नंबर है, लेकिन मुझे लगता है इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। और ये फ़ोन ना सिंगल चार्ज में 14 घंटे तक का बैटरी बैकअप ऑफर करता है और इसको आप 90 से 100 मिनट्स तक के टाइम में फुल चार्ज कर सकते हैं 0 से 100% तक। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बैटरी साइज नंबर इसमें दिया गया है। अब चौथा पॉइंट जो है इस फ़ोन का कि इसमें 2 साल तक की वारंटी आपको मिलती है, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। अब जो फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इस फ़ोन का वो ये है कि इसमें आपको एंड्रॉयड 13 अपडेट मिलता है जो कि लेटेस्ट अपडेट है एंड्रॉयड का। तो एंड्रॉयड 13 का लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, सारे लेटेस्ट फीचर्स, आप ऐप्स, थर्ड पार्टी ऐप सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो हमने 4 हाईलाइटेड फीचर्स की बात की, कुछ जो बेसिक फीचर्स है इसमें जैसे कि इसका डिस्प्ले, इसमें 6.6 इंच का एक HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है, यानी कि HD+ रिजोल्यूशन के साथ आता है, 90Hz रिफ्रेश रेट दिया है जो कि काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है, लेकिन इसमें 180Hz तक का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया है। जो टच काम करता है ना फ़ोन का, ये काफ़ी स्मूद है, काफ़ी अच्छे से काम करता है, क्योंकि 10,000 रुपये के सेगमेंट में मैंने इतना स्मूद फ़ोन अभी तक तो कोई नहीं देखा है जो इतना सस्ता फ़ोन हो और डिस्प्ले इतने अच्छे से काम करे। और 5G स्मार्टफोन है, तो भाई अब तो 5G आ चुका है इंडिया में, हर कोई 5G स्मार्टफोन खरीद रहा है। तो मुझे लगता है ना कि आईटेल P55 एक बहुत अच्छी डील है अगर आपका बजट 10,000 रुपये में है, गिफ्ट भी कर सकते हैं, एक नया फ़ोन अपग्रेड करना है तो भी खरीद सकते हैं, बजट कम है एक लेटेस्ट फ़ोन खरीदना है तो भी एक अच्छा ऑप्शन है। और आईटेल अब अपने फ़ोन्स के साथ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रही है और उन यूज़र्स को लिए ज़्यादा अच्छे फ़ोन रेडी कर रही है जिनका बजट कम होता है, क्योंकि महंगे स्मार्टफोन्स तो हर कोई बनाता है, लेकिन बजट सेगमेंट में अच्छे फीचर्स देना एक सबसे बड़ा टास्क है। तो मुझे लगता है कि ये जो फ़ोन है ना, ये लॉन्च के बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुका है और ट्रेंडी भी है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वर्थ है इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि फ़ोन का डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा है, फ्लैट एजेस हैं और ये जो इसका बैक पैनल है ना, इसमें फिंगरप्रिंट इशू बिल्कुल भी नहीं आता, एक बिल्कुल आपको एक शाइनी वाला मैट लुक दिया हुआ है इसमें, और कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और यहाँ पे आपको साइड में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है और टाइप सी पोर्ट आता है, तो सब कुछ मिल गया आपको इसी स्मार्टफोन में। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगे, अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इसे अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। और सबसे अच्छा फीचर आपको इस फ़ोन का कौन सा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ये वीडियो लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।